मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज के सेक्शन है में लेक्चर 15 के पार्ट 5 डिस्कस करते हैं। प्रीवियस पार्ट पार्ट 1 2 3 4 में सिंपल 2D प्लॉट प्लॉट फंक्शन किस तरह काम करता है और उसके क्या फीचर्स हैं, उसको लाइन कलर्स, लाइन स्टाइल, मार्कर वगैरह और सब उसकी बेसिक्स डिस्कस किए। अब पार्ट 5 में हम देखते हैं कि प्लॉट वाई अगर एक आर्गुमेंट हो, दो आर्गुमेंट हो या उससे ज्यादा हो, और फिर हमारे पास अगर y एज ए वेक्टर हो या y एज ए मैट्रिक्स हो तो किस तरह प्लॉट होगा। यहाँ पे भी हम इसकी दिमाग प्रॉपर्टी देखेंगे, एक को एज ए वेक्टर लेंगे, दूसरे को एज ए मैट्रिक्स, फिर फर्स्ट को एज ए मैट्रिक्स और फिर दूसरे को एज ए वेक्टर, फिर उसकी हम देखेंगे कि प्लॉट में क्या चेंजेस आती हैं। सेम साइज के लिए भी देखेंगे, सेम साइज ऑफ मैट्रिसेस और सेम साइज ऑफ वेक्टर्स और फिर डिफरेंट साइज के ऑफ वेक्टर्स और मैट्रिक्स के लिए देखेंगे। अगर हमारे पास एक आर्गुमेंट हो, एक से ज्यादा हो या बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स हो तो प्लॉट किस तरह प्लॉटिंग होती है हम देखेंगे। इफ वाई इज अ वेक्टर हो तो हमारे पास किस तरह से प्लॉट होगा, और अगर हमारे पास वाई इज अ मैट्रिक्स हो फर्स्ट और सिंगल आर्गुमेंट तो किस तरह प्लॉट होगा। फिर टू आर्गुमेंट्स के लिए एक्स एंड वाई आर वेक्टर ऑफ सेम लेंथ, फिर हम देखेंगे एक्स इज अ वेक्टर एंड वाई इज अ मैट्रिक्स, फिर देखेंगे हम एक्स इज अ मैट्रिक्स एंड वाई इज अ वेक्टर, फिर देखेंगे हम इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ एक्स आर सेम, फिर उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन इफ एक्स एंड वाई आर मैट्रिसेस व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये फाइव, तो ये हम 7 क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। लेक्चर 15 के पार्ट 4 और 3 में मैंने डिस्कस किया है कि कौन से पॉसिबल डिफरेंट कलर्स हैं, कौन सी पॉइंटर टाइप्स हैं और लाइन स्टाइल्स हैं, और इसको हम किस तरह से मैटलैब में यूज कर सकते हैं। अगर आप ये यूज करना नहीं जानते तो आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल आर्गुमेंट हो वाई ऑफ प्लॉट और दोनों वेक्ट और हमारे पास एक ही हो और लेकिन वेक्टर हो तो वो किस तरह प्लॉट होगा। y जीरो वेक्टर मैंने एंटर कर दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 3 एलिमेंट्स हैं। हम देखते हैं प्लॉट ऑफ y, तो ये हमारे पास क्या है प्लॉट ऑफ y। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी अलॉन्ग x एक्सिस हमारे पास रेंज सिलेक्ट होगी, जैसे 1, 2, 3, और y एक्सिस पे हमारे पास जो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईच कॉलम होगी, जिसमें फर्स्ट में 4 है, दूसरे में 5 है, 6 है, फिर इस तरह 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। जैसे फर्स्ट कॉलम में 4 है तो यहां से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, आप ओरिजिन से कहीं से जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे साइन कर दे। 5 कौन सी है कॉलम 2 में, तो यहाँ पे अगर हम ग्रिड्स को ड्रा करें तो हम इजीली देख सकते हैं। Here in graph you can see that the y vector is generated the line of y with the index number of y. Index number क्या शो करता है, index first index पे क्या है 4, एट फर्स्ट इंडेक्स पे 4, सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स इज हियर इट इज अ 5 एंड थर्ड इंडेक्स एट 6। आई हैव डिड द ग्रेड ऑन बट इट्स नॉट शोइंग प्रॉपरली। यहां पे आप देख सकते हैं कि ग्रेड्स अगर बहुत लाइट नजर आ रहे हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ग्रेड्स क्लियर नजर आ सके। तो इसके लिए यहाँ डेट मेन्यू में चले जाएं,
सो कलर चेंज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। कुछ लाइट कलर ले लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दैट द ग्रेड्स आर शोइंग अप फॉर सेकंड इज 5। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द ये जो हमारे पास एक्सेस और वाई एक्सेस पे नंबर्स प्लाट हो रहे हैं इनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर लेते हैं, रेड पे चेंज हो गया। और यहाँ पे अगर हम कुछ ग्रेड्स शो और नहीं शो करना चाहते उसे भी ये सर नो कर सकते हैं। अगर हमने ये हमें जो बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है अगर इसको हम खत्म करना चाहते हैं तो उस क्लिक पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरे इंशाल्लाह इस फिगर के जितने भी एडिटिंग टूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगेन पिक्चर व्यू में चले जाएंगे। अब यहां पे आप ग्रेड्स इजीली आप देख सकते हैं और उसकी नंबरिंग भी जो लाइकवाइज प्लॉट हुई है। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास वाई एज ए वेक्टर है तो इसका ईच एलिमेंट उसका नंबर ऑफ इंडेक्स पे प्लॉट होगा वाई एज ए लाइन और ये लाइन भी है तो आप देख सकते हैं और दूसरा इंडेक्स नंबर फर्स्ट इंडेक्स नंबर सेकंड थर्ड इस तरह एट फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास y एज ए मैट्रिक्स हो तो वो किस तरह प्लॉट होगा। मैट्रिक्स z जनरेट कर दी। यहां पे आप आर्गुमेंट कुछ भी पुट कर सकते हैं इससे कोई चेंजेस नहीं आती y हो या x हो। फॉर एग्जांपल मैंने z प्लॉट कर दिया, z एज ए आर्गुमेंट लिया, वो हमारे पास क्या है एक मैट्रिक्स है। तो एंटर करते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे पास टू डिफरेंट लाइंस जनरेट हुई हैं। जब हमारे पास आर्गुमेंट एज ए मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास सेट ऑफ लाइंस बनेगी। सेट ऑफ लाइंस का मतलब ये है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी उतनी ज्यादा लाइंस बनेगी और हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो रेंज होगी वो वर्सेस रो जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज 2 है तो इसकी रेंज असाइन होगी और फर्स्ट कॉलम में क्या क्या वैल्यू है फर्स्ट एंड 1 एंड 3। एक लाइन यहाँ पे बन गई 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 पे एंड हो रही है और दूसरी फ्रॉम 2 टू 4 2 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे एंड हो रही है। अगर मैट्रिक्स का आर्डर चेंज कर लें फॉर एग्जाम्पल मैंने चेंज कर दिया आर्डर इसके लिए चेक करते हैं। तो ये यहां पे आप देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स हैं उतनी लाइंस बन रही हैं और इंडेक्स नंबर कितने हैं एक्स एक्सिस पे जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी 2 रोज हैं 1 टू 2 रेंज। जब नंबर ऑफ कॉलम्स में हमारे पास 3 है तो 3 डिफरेंट लाइंस बनेगी और आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है 1 एंड 4 सेकंड 2 एंड 5 थर्ड कॉलम 3 एंड 6। तो इस तरह आप कोई भी ऑर्डर चूज कर सकते हैं और उसकी तरतीब यही होगी कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे अगर हमारे पास एक आर्गुमेंट है तो सिंपल प्लॉट टाइप में अगर हमारे पास एक आर्गुमेंट है जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने नंबर ऑफ लाइन्स होंगी और जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतने ही हमारे पास इसकी रेंज सेलेक्ट होगी और इसकी रेंज अकॉर्डिंगली जितनी हमारे पास मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू है वो वाई एक्सिस की रेंज सेट होगी। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स थे और यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स थे। अब थर्ड टाइप के लिए देखते हैं फॉर 2 आर्गुमेंट्स के लिए।
अगर हमारे पास टू आर्गुमेंट में x एंड y कोई भी फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वो वेक्टर्स हों और सेम लेंथ के हों, तो हमारे पास किस टाइप का ग्राफ बनेगा। मैंने दो वेक्टर एंटर कर दिए x और y, जिन दोनों की वैल्यूज आर डिफरेंट बट इनका ऑर्डर सेम है, तो प्लॉट करते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं हमारे पास जो ग्राफ बना है वो y वर्सेस x बना है। जब हमारे पास एक आर्गुमेंट थे तो जो y एक्सिस की है वो रेंज अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती थी उस तरह से चूज होती थी, लेकिन यहां पे डिफरेंट है। यहां पे हमारे पास जो रेंज होगी x एक्सिस की वो अलॉन्ग x एक्सिस सिलेक्ट होगी, और जो हमारे पास रेंज होगी y एक्सिस की वो y वेक्टर की वो हमारे पास y एक्सिस के लिए चूज होगी। जैसे y वेक्टर हमारे पास 4 to 6 है और x एक्सिस हमारे पास 1 to 3 है। तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन प्लॉट होगी विद y वर्सेस x, अगर हमारे पास दोनों वेक्टर हैं और सेम साइज के हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अगर x एंड y आर मैट्रिसेस हों, फिर अगर एक वेक्टर एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो, अगर उनके हमारे पास जो साइज है वो डिफरेंट हो, तो हमारे पास किस तरह के प्लॉट बनेंगे वो हम देखेंगे पार्ट 6 में।